आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिल्ली गार्लिक फ्राइड राइस, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये हमने कुछ मिर्ची ले ली है और इसको गर्म पानी में थोड़ी देर फूलने डाल दिया है। अब इसमें लहसुन डाल के 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसको पीस रहे हैं, पीस के पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। वाह, क्या पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको हमने गरम ऑयल में डाल के तड़का लगा लिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। अब ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च और ऑनियन डाल के अच्छे से इसको थोड़ा मिला लेंगे। ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से हरी हरी सब्जियाँ, कुछ गाजर, कुछ बीन्स और कुछ शिमला मिर्च, जो कि हमारे डिश को थोड़ा सा और लुक दे देंगे, लुक एनहांस कर देंगे एकदम मस्त। देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा रहेगा। अब हमने इसमें राइस डाल दिया है जो कि पहले से हमने पका के रखा था। सोया सॉस डाल दिया है, गार्लिक पाउडर डाल दिया है, अजीनोमोटो डाल दिया है और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, जो कि टेस्ट को और अच्छा बनाता है। और स्वाद अनुसार नमक भी डालना ज़रूरी है। और देख सकते कितना खिला खिला बना है हमारा फ्राइड राइस, गजब का लग रहा टेस्ट। देखने में तो अच्छा है, लग ही रहा है भाई, टेस्ट भी लेकिन अच्छा है इसका। ये हो गया बनके तैयार। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं और आप लोग भी जाओ बना के देखो आज कैसा बनता है।